हेलो एवरीवन, दिस इज़ इकरा नवाज़ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करना जा रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ अ सिस्टम यूज टू डिफाइन आर हायरार्की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली एक हायरार्की एग्जिस्ट करती है जो हमें बताती है कि कौन सा पर्सन किस पोजिशन को होल्ड करता है, ठीक है, उसकी क्या पोजीशन होगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो एम्प्लॉय की वो जो पर्टिकुलर पोजीशन है ना, वो उसको उससे आइडिया मिलता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। अब उसको अपनी पोजीशन से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का कैसे पता चलता है, वो ऐसे पता चलता है कि हायरार्की जो है वो डिफ़ाइन कर देती है कि आप का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होगा, आपने किसको रिपोर्ट करना है, ठीक है, या किसको आपने सुपरवाइज करना है, आपको कौन लोग रिपोर्ट करेंगे, आपका टाइम ऑफ वो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा। तो ये चीज़ जो है ये एक हायरार्की डिफ़ाइन करती है। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे थॉमस एडिसन जो हैं वो समझ लें कि सीईओ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो इनका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो उनके नीचे तीन मैनेजर्स हैं, ठीक है, और इन तीन मैनेजर्स को ये पता है कि इन्होंने रिपोर्ट करना है थॉमस एडिसन को, ठीक है, और इसके अलावा इन इनको इनका स्पैन ऑफ कंट्रोल पता है, ठीक है। यानी हर मैनेजर के अंडर या तो दो मजीद इम्प्लॉयज़ हैं या एक है। उसके अलावा फर्दर वो जो इम्प्लॉयज़ हैं उन वो आगे से उन्होंने बहुत से इम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज़ करना है। तो इट मींस कि ये ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ये एक क्लियर कट आपको आइडिया देता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से काम करेगी, आपने उसकी हायरार्की क्या डिफ़ाइन करनी है, स्ट्रक्चर क्या है। ओके, अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्स की टाइप्स कितनी हैं, कितने स्ट्रक्चर्स जो हैं आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी फंक्शनिंग, अपनी प्रोडक्ट लाइन और वो किन सिटीज़ या किन कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है, ये चीज़ डिफ़ाइन करती है कि अब ऑर्गेनाइजेशन कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने वाली है। तो जो फर्स्ट वन है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें पहले हम क्या देखते हैं, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर डिवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन ही बता रही है, ये वर्ड फंक्शन ही बता रहा है कि आपने फंक्शंस की बेस पे जो एक स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करना है, ठीक है। इट मीन्स कि आपको पता है कि आपकी जो क्या कहते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, आप उतने डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, और हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंगली काम करें। यानी कि फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास एक सीईओ आ गया, अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जैसे आप ये देखो कि सीईओ है तो सीईओ के नीचे क्या है, एक फंक्शनल मैनेजर काम कर रहा है, ठीक है, और एक क्या है कि एक फंक्शनल एक एच आर, अगर हम इसको सिंपल वर्ड में देखें तो एक समझ लें एक एच आर मैनेजर उसके नीचे है, एक मार्केटिंग है, एक प्रोडक्ट लाइन मैनेजर है, ठीक है, एक रिसर्च एंड डिपार्टमेंट का मैनेजर है। तो इट मींस कि सीईओ के नीचे जो हैं ये डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसका अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें इसका एडवांटेज क्या मिलता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स के लिहाज से ग्रुप कर दिया जाता है। इट मींस कि आपकी एफिशिएंसी और आपकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। इसके अलावा क्या होता है कि इनके जो रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो फिक्स्ड होती हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बेस्ट एडवांटेज है वो यही है कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है इस डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट के अंदर, वो फ्रिक्शनलेस होती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो वर्क जो है वर्क डुप्लीकेट नहीं होता है, एक काम आप एक ही दफ़ा करते हो, कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है, और क्या होता है कि कैरियर जो ग्रोथ है प्लान एम्प्लॉयज़ को पहले से मालूम होता है, उनको पता होता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजनल स्ट्रक्चर क्या है जनाब। के डिवीजनल स्ट्रक्चर इज़ यूजुअली फॉलोड बाय बिग कंपनीज व्हिच मैन्युफैक्चर मोर देन वन प्रोडक्ट और हैविंग ऑपरेशंस इन वाइड जियोग्राफिकल एरिया। इसमें क्या है कि आप इसको देख सकते हो कि इसमें द ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ऑटोनोमस यूनिट्स, ठीक है। इट मींस के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो यूँ समझ लें कि इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है।
डिफरेंट यूनिट्स जो होते हैं आप उनको इस तरह से कैसे डील करते हो? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो कंपनी है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डील कर रही है, ठीक है, इट मीन्स कि डिफरेंट कस्टमर्स को टारगेट कर रही है। तो जो डिवीजनल स्ट्रक्चर है वो बेस करता है, या तो प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर हो सकता है इसमें, या जियोग्राफिकल बेस्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, या कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि डिवीजन प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज डिवीजन्स हैं। लाइक अगर हम नेस्ले की एग्जांपल लें तो नेस्ले जूसेस जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे काम करता है, वाटर वाला, और डिफरेंट नेस्ले की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे अपना अपना काम करती हैं। हर प्रोडक्ट का अपना R&D है, मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। इस तरह अगर हम इंस्टाग्राम में देखें तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, सब जो हैं वो एक ऑटोनोमस यूनिट्स के तौर पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्या है कि द सर्च फॉर बेटर एंड फास्टर वेज टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू कस्टमर नीड्स हैज लेड सम कंपनीज टू चूज़ अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अच्छा, और क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन दैट ग्रुप पीपल एंड रिसोर्सेज इन टू वेज सिमल्टेनियसली, बाय फंक्शन एंड बाय प्रोडक्ट। अब बात यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर्स की नीड्स बदल रही हैं, ठीक। प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंपनीज जो हैं वो उनके पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप जल्दी रिस्पॉन्स करना चाहते हो, अपनी कंपनी का कंपेटिटिव एज, रिस्पॉन्सिवनेस रखना चाहते हो, मीन्स कि आपके एम्प्लॉय को, आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स के लिए वेट ना करना पड़े, आप उनको जल्दी मार्केट में अपनी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप फिर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हो। मीन्स कि आप फंक्शंस और प्रोडक्ट्स दोनों को एक साथ लेके चलते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल को देखते हैं डायग्राम में, जैसे आप ये देखें कि आप इसमें क्या करते हो कि आप इसमें ना प्रोजेक्ट्स को डिवाइड कर देते हो। जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट बी, सी, तो ये क्या है, प्रोडक्ट वाइज है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फंक्शन वाइज ये देखें ऊपर क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इट मीन्स के फंक्शंस के लिहाज से भी और प्रोडक्ट के लिहाज से भी इसमें क्या है कि वर्टिकल फ्लो जो है वो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो करता है, और हॉरिजॉन्टल फ्लो जो है वो प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो करता है। इसको हम टू बॉस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है, अगर हम जैसे एक साइंटिस्ट ए है तो उसने अपने फंक्शनल हेड यानी वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च चीफ साइंटिस्ट इसको भी उसने आंसर करना है। इसके अलावा उसका और बॉस कौन है, विग्राम प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट ए, ठीक है, प्रोजेक्ट ए के मैनेजर को भी उसने रिस्पॉन्ड करना है। तो ये उन कंपनीज़ के लिए सूटेबल होता है जो कि बड़ी कंपनीज़ होती हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को वो एट अ टाइम डील कर रही होती हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट मिलते हैं एक न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, बाय।